सभी को मेरा नमस्कार। मैं आचार्य मुनमुन गोयर, महावास्तु एक्सपर्ट एंड अ सर्टिफाइड ट्रेनर। आज मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ जो ये पैंडेमिक है, इसने कैसे हमारी लाइफ को इतना इम्पैक्ट किया है, हमारे बच्चों की लाइफ को जो अभी स्टूडेंट एज में है, जो भी स्टूडेंट ग्रुप में है, कैसे वो अपने आप को मैनेज करे, कैसे अपने आप का अटेंशन लेवल बढ़ाए, ये कैसे अपना हम एज ए मदर हम कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं। वी ऑल्सो नो दैट वी हैव बीन ऑन द टोज ऑल द टाइम सिंस दिस पैंडेमिक हैज स्टार्टेड। हाउ कैन वी हेल्प आवर किड्स, बिकॉज जो स्टूडेंट्स हैं सबसे ज्यादा हैम्पर वो हुए हैं। कहाँ तो वो स्कूल जाते थे हर सुबह, कॉलेज जाते थे हर सुबह, लेकिन अब हर दिन वो 4 से 5 घंटे कंप्यूटर और लैपटॉप के आगे बैठते हैं और सिर्फ अपनी टीचर को सुनते हैं। मैं एक मदर हूँ, आई हैव 2 kids एंड आई नो हाउ माई किड्स बिहेव ड्यूरिंग देयर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चे तो बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, लैपटॉप सामने है, टीचर सामने है, बट दे हैव ऑल द यू नो लीवरेजेस कि वो कुछ भी करते रहें, बिकॉज टीचर तो उनको देखेगी नहीं, चाहे वो टॉय से प्ले करे, चाहे वो सो जाए क्लासेस में, या फिर कुछ भी करे, नोबडी इज गोइंग टू कैच देम। बट एज अ पेरेंट, एज अ मदर, वी रियली फील बैड, क्योंकि वो टाइम वो वेस्ट कर रहे हैं, लैपटॉप के सामने बैठे हैं, बट दैट टाइम इज जस्ट बींग वेस्टेड। नाउ हाउ टू यूटिलाइज दैट टाइम। मेरे दोनों बच्चे जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ तो मैंने उनके फर्स्ट ईयर बहुत इजी लिया। मुझे लगा कुछ नहीं होता, अगर टाइम वेस्ट हो भी रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज नेक्स्ट ईयर मैं उनको एक्स्ट्रा क्लासेस या ट्यूशंस में डाल के ये सारा उनका सिलेबस कवर हो जाएगा। बट नेक्स्ट ईयर भी कैसा हुआ, नेक्स्ट ईयर में भी सारा टाइम ऐसे ही लॉकडाउन में निकल जा रहा है, नो ट्यूशंस, नो एक्स्ट्रा क्लासेस। तो देन आई थॉट, मेरे पास तो टूल्स हैं महावास्तु के, मेरे पास टूल्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, मैं इनको कैसे यूज करूं अपने बच्चों की लाइफ में, और कैसे मैं उनकी स्टडीज को इन्हांस कर सकूं, कैसे उनका अटेंशन लेवल बढ़ जाए, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे वट एवर दे आर स्टडिंग इज बींग रिटेन्ड। मेरी तरह सब मदर्स भी वही चाहती हैं, बच्चे भी वही चाहते हैं कि हम जितना स्पैन पढ़े वो स्पैन हमारा इफेक्टिव स्पैन रहे। कैसे होगा ये पॉसिबल? ये सब पॉसिबल है डॉक्टर खुशदीप बंसल जी की महावास्तु, एस्ट्रो महावास्तु टेक्निक से। मेरे पास मेरे दोनों बच्चों के हॉरोस्कोप्स हैं। अब उन हॉरोस्कोप्स में जो फोर्थ बॉक्स है वो रिप्रेजेंट करता है एजुकेशन को, स्टडीज को। एजुकेशन एंड स्टडी की जब मैंने बॉक्सेस को देखा तो देखा वहां पर जो मेरी डॉटर का बॉक्स 4 है वो रिप्रेजेंट करता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन को। अब मैंने क्या किया, उसकी बुक्स, उसकी सारी स्टडी मटेरियल, उसका स्टडी टेबल उठा के रख दिया साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में। और जो मेरा बेटा है उसकी मैंने स्टडी मटेरियल उठा के, बिकॉज उसका जो फोर्थ बॉक्स था वो रिप्रेजेंट करता था वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को, उसका मैंने सारा सामान उठा के वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख दिया। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि महावास्तु में वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन अगर बैलेंस्ड हो, वहां पे बुक्स हो, तो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं। बट ये पैंडेमिक टाइम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मांगता है, क्योंकि सब कुछ एट अ सेल्फ लेवल बच्चों को करना है। तो कैसे हम वो इंश्योर करते? मैंने तो ऐसे इंश्योर किया एंड आई एम गेटिंग रिजल्ट्स आल्सो। माय किड्स आर गेटिंग लिटिल मोर attentive towards their studies, which is a very good sign. आप भी ये कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी इसमें कुछ हेल्प करूं, तो आई एम रेडी टू हेल्प यू एनी टाइम, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट आर किड्स। सो लेट्स डू दिस, लेट अस नो कि कौन सा जोन है जो हमारे बच्चे के लिए नेचर ने डिसाइड किया है, कॉस्मिकली डिसाइडेड है, और हम उसको यूज कर सके। मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, क्या आप मुझसे कनेक्ट करेंगे? इफ येस, देन यू कैन गेट कनेक्टेड टू मी ऑन माय फेसबुक हैंडल विच इज बाय द नेम ऑफ मुनमुन गोयल एंड माय इंस्टाग्राम हैंडल मुनमुन 2482, या फिर आप मुझसे
योगदान ले सकते हैं, फ्री एडवाइस भी ले सकते हैं, और उसके लिए आपको मेरे साथ कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा www.mvtrainer.net पर। आई रिपीट अगेन, www.mvtrainer.net पर। वहां पर यू कैन अगेन फाइंड मी बाय द नेम ऑफ मुनमुन गोयल एंड यू कैन कनेक्ट विद मी। लेट्स गेट कनेक्टेड, लेट अस रीइंस्टेट व्हाट आवर किड्स वांट एज अ स्टूडेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज अ पेरेंट टू इंश्योर दैट, एंड इट इज वेरी इजी बिकॉज आई हैव गॉट द रिजल्ट्स एंड माय फ्रेंड्स आर गेटिंग रिजल्ट्स। मैंने आपके साथ अपनी केस स्टडी क्यों डिस्कस करी, बिकॉज जो मैंने एक्सपीरियंस किया है बच्चों के साथ वो ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप वी विल गेट कनेक्टेड फॉर आवर चिल्ड्रन सेक। नमस्कार।